नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन, यानी ऐसे प्लगइन जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में होने ही चाहिए ताकि आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो और आप अपने ब्लॉगिंग करियर में सक्सेसफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना टेक ज्ञान। दोस्तों, बात करें मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन्स या ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्डप्रेस प्लगइन्स जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में होने ही चाहिए। तो ऐसे कई सारे प्लगइन्स हैं जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में होने ही चाहिए। कुछ SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हैं, कुछ स्पैम प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ डाटाबेस बैकअप के लिए हैं, तो कुछ आपके ब्लॉग के सिक्योरिटी के लिए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लगइन्स भी हैं जो स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। कुछ प्लगइन्स कैचिंग के लिए हैं, कुछ RSS के लिए हैं, कुछ आपके इनकम यानी कि गूगल एडसेंस के लिए हैं ताकि अपने ब्लॉग में एडसेंस का एड्स लगा सकें। इसके अलावा कुछ प्लगइन्स हैं ई कॉमर्स और सोशल नेटवर्किंग के लिए। तो आइए इन सबको एक एक करके अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो वर्डप्रेस का अपना प्लगइन है और वो है जेटपैक बाई वर्डप्रेस.com। ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में होना ही चाहिए। ये आपके वर्डप्रेस ब्लॉग को कई तरह से कस्टमाइज करने में मदद करता है, उनकी मार्केटिंग में मदद करता है और आपके ब्लॉग की सिक्योरिटी में भी मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन फॉर SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन है और जो 99% सक्सेसफुल ब्लॉगर्स अराउंड द वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं वो है योस्ट SEO। ये आपके ब्लॉग के लिए SEO का 100% सॉल्यूशन है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको शायद ही किसी SEO प्लगइन की जरूरत होगी। ये आपके ब्लॉग के लिए SEO फ्रेंडली टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखने में, XML साइट मैप जनरेट करने में तथा ब्रेड क्रम्स जनरेट करने में मदद करता है। दोस्तों, योस्ट SEO का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है ऑल इन वन SEO पैक। अगर आप किसी कारण से योस्ट SEO को पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑल इन वन SEO पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे जरूरी होता है किसी भी SEO ब्लॉग के लिए वो होता है XML साइट मैप, जिन्हें आपको सर्च इंजिन्स को सबमिट करना होता है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो है गूगल XML साइट मैप्स। ये आपके ब्लॉग के लिए XML साइट मैप्स जनरेट करता है जिसे आप गूगल, याहू, बिंग या दूसरे सर्च इंजिन्स के वेबमास्टर टूल्स में जाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज होता है किसी भी ब्लॉग के SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो होता है ब्रोकन लिंक्स। आपके ब्लॉग में कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होना चाहिए। इसे चेक करने का ऑटोमेटिक तरीका है प्लगइन, और जो सबसे बेस्ट प्लगइन है जो मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ब्रोकन लिंक चेकर। ये लिंक चेकर क्या करता है कि आपके ब्लॉग में जितने भी लिंक्स आपने लिखे हैं, चाहे वो मेन्यू में हो, चाहे पेज में हो या पोस्ट में हो या फिर किसी वीडियो में हो, ये हर एक लिंक को चेक करता है और अगर इसे कोई ब्रोकन लिंक मिलता है तो वो उस आपको इन्फॉर्म करता है ताकि आप उसे फिक्स कर पाए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन फॉर स्पैम प्रोटेक्शन। स्पैम प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो है अकस्मेट एंटी स्पैम प्लगइन। ये आपके वर्डप्रेस ब्लॉग को प्रोटेक्ट और गार्ड करता है किसी भी तरह के स्पैम कमेंट से। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आपके वर्डप्रेस के लिए बैकअप प्लगइन की। ऐसा प्लगइन जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के पोस्ट और सारी डिटेल्स जैसे कि डाटाबेस वगैरह को बैकअप कर सके, इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो है बैकअप वर्डप्रेस। ये आपके पूरे वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट को आपके साइट के डाटाबेस तथा सभी फाइल्स को आप बैकअप रखता है। आप जब चाहें तब अपने ब्लॉग का बैकअप ले सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन फॉर सिक्योरिटी। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग की सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जो बेस्ट प्लगइन है वो है ऑल इन वन WP सिक्योरिटी एंड फायरवॉल। ये आपके वर्डप्रेस ब्लॉग को किसी भी तरह के थ्रेट से बचाता है। दोस्तों इसके बाद जो प्लगइन है वो है वर्ड डिफेंस सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मेलवेयर स्कैन। ये किसी भी पेड प्लगइन के टक्कर का प्लगइन है जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद आप चाहें तो जो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए वो है बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी। ये आपके ब्लॉग को किसी भी तरह के इंजेक्शन थ्रेट से बचाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स, ताकि कितने विजिटर्स आपके ब्लॉग में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं वो आप देख पाएं। इसके लिए जो बेस्ट प्लगइन है वो है गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड फॉर WP। ये आपके ब्लॉग का स्टैट्स दिखाता है गूगल एनालिटिक्स कोड के मदद से। दोस्तों इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है WP स्टैटिस्टिक्स। अगर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपने ब्लॉग के स्टैट्स नहीं देखना चाहते हैं तो आप WP स्टैटिस्टिक्स प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपके वर्डप्रेस के विजिटर्स का स्टैट्स आपको दिखाता है बिना गूगल एनालिटिक्स कोड के। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन फॉर कैचिंग, ताकि आपके ब्लॉग का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। इसके लिए जो ज़्यादातर ब्लॉगर्स प्लगइन इस्तेमाल करते हैं वो है W3 टोटल कैचे। ये आपके ब्लॉग के कैचिंग पर्पस के लिए काफ़ी बढ़िया प्लगइन है और आपके ब्लॉग के लोडिंग स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो मैं इस कैचिंग या दूसरे किसी भी कैचिंग प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इन्हें इंस्टॉल करना तो काफ़ी आसान है लेकिन बाद में अनइंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों अगर आप W3 टोटल कैचे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है WP सुपर कैचे। आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि इन कैचिंग प्लगइन्स को इंस्टॉल करना तो आसान है लेकिन इन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बहुत ही सावधानी से ऐसे प्लगइन्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर एडसेंस, ताकि आप अपने ब्लॉग से कुछ पैसे कमा सकें, कुछ अर्निंग कर सकें। इसके लिए जो मैं पर्टिकुलरली इस्तेमाल करता हूँ प्लगइन वो है क्विक एडसेंस। इस प्लगइन को मैं पिछले ऑलमोस्ट 12-15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल वर्डप्रेस प्लगइन है फॉर एडसेंस, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों क्विक एडसेंस का बेस्ट अल्टरनेटिव है WP सिंपल एडसेंस इंसर्शन। आप चाहें तो अपने एडसेंस कोर्स के लिए इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक और प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है गूगल एडसेंस प्लगइन। यह भी काफ़ी अच्छा काम करता है लेकिन मेरा फेवरेट है क्विक एडसेंस। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन फॉर फीड। इसके लिए कई सारे प्लगइन्स हैं जैसे कि फीड बर्नर, फीड स्मिथ, ऐड टू एनी सब्सक्राइब बटन, कैटेगरी स्पेसिफिक RSS फीड। तो अगर आप अपने ब्लॉग के लिए फीड जनरेट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन की, यानी कि ऐसे प्लगइन जो आपके ब्लॉग में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने में मदद कर सके। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर प्लगइन है जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी सालों से वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसे ऑलमोस्ट 90% सक्सेसफुल ब्लॉगर्स इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन पसंद ना आए तो आप दूसरे प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फोटो गैलरी प्लगइन की, यानी कि ऐसे वर्डप्रेस प्लगइन जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग में फोटो या फोटो गैलरी लगा सकें। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर प्लगइन है वो है नेक्स्ट जेन गैलरी। मैं खुद भी इस प्लगइन को अपने कई सारे ब्लॉग्स में इस्तेमाल करता हूँ। ये काफ़ी पॉपुलर वर्डप्रेस ब्लॉग है फॉर फोटो गैलरी, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कुछ दूसरे यूजफुल वर्डप्रेस प्लगइन्स की। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है शेयर दिस प्लगइन का। ये काफ़ी अच्छा है
शेयरिंग पर्पस के लिए, ताकि लोग आपके ब्लॉग्स को, ब्लॉग के पोस्ट को शेयर कर सके दूसरों के साथ। इसके अलावा अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है या आप अपने ब्लॉग पे कुछ बेच रहे हैं और पेपाल के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस सिंपल पेपाल शॉपिंग कार्ट प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अफिलिएट प्लेटफॉर्म द्वारा अर्निंग करते हैं, तो आप WP अफिलिएट प्लेटफॉर्म प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके अफिलिएट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों इसके बाद जो प्लगइन है, जो मैं खुद भी कई सालों से इस्तेमाल करता हूँ, वो है टाइनी MCE एडवांस्ड। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। ये क्या करता है कि कुछ एडवांस्ड फीचर्स ऐड कर देता है आपके विजुअल एडिटर में, यानी कि जहाँ से आप नए पोस्ट लिखते हैं अपने ब्लॉग में, उस एडिटर में ये कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकता है, ताकि आप अपने पोस्ट को और अच्छी तरह से कस्टमाइज कर पाएं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन, ऐसे इंपॉर्टेंट प्लगइन जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में होने ही चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।